काफी तेज है, बट स्टिल -5 डिग्रीज में भी ये विंड चीटर अपना काम एकदम परफेक्टली कर रहा है। हर्षिल को बोलना पड़ेगा। So it's a bright sunny day outside, but still the temperature is -13 degrees Celsius. But anyways, welcome back to my channel, everyone. I hope everybody is doing great. आज तो एकदम अच्छी खासी धूप है। By the way, a perfect weather to go out. मैं और श्रेया ने मिलके एक वीक में हम दोनों पूरी बैग खाली कर दी मिलके। ओके, यहाँ सब वुडन का बना था, लाइक पूरा कैमरा शिखर है जब मैं ऐसे रख रहा हूँ तब। मतलब हम दोनों ने मिलके खत्म किया ना पूरा एक बैग। मतलब काइंड ऑफ मैंने ही पूरा ज़्यादा पिया। कनाडा का ट्रेंड थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको मिल्क ऐसे पैकेट्स मिलते हैं और आपको ऐसा पैकेट रखने के लिए यू गाइस नीड स्पेशल दिस टाइप ऑफ मिल्क पिचर, जहाँ पे ऐसा पूरा पैकेट एक आ जाएगा। इस मिल्क को आज हम लोग बाहर ही रखेंगे बिकॉज आज हम लोग हॉट चॉकलेट बना के जाने वाले हैं। एंड आज हम लोग दोपहर को 1-2 बजे निकलेंगे और सीधा रात को आएंगे बिकॉज आज अच्छा खासा टाइम पास करना है, घूमना है। ऐसे कुछ टाइम पास करने के लिए, और बस से अगले 2-3 मिनट में ही, और हमारा वॉक भी 2-3 मिनट का ही है। ये रही हमारी बस जो की है 211 को, एंड करंटली 24 हमारा ऐसे वॉक है। स्टिल 4 मिनट्स का, जस्ट प्रेस दिस गो बटन। ओके, जल्दी, वी स्टिल हैव 6 मिनट्स। और आज धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बिल्कुल प्रीवियस डेज की तरह ही। और आज क्या ना, यही सामने से ही है। हाँ, सामने से। और बाय द वे, हम लोग पिछले 4 दिनों में हम लोग यही 2 बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि है 29 ईस्ट बाउंड एंड 18 नॉर्थ साउथ। तो टेक्निकली हमें ये वाले बस में पे नहीं, हमें सामने लेकिन जो मैंने जस्ट अभी चेक किया। और बाय द वे, आज हमारा सुबह सुबह स्नो सर्जिंग का प्लान था लेकिन वो प्लान हमने ड्रॉप किया बिकॉज खाना पड़ना वो दोनों बाकी था। और बाय द वे, वहाँ पे वो रहे लोग जहाँ पे अभी स्नो स्लेजिंग कर रहे हैं, एंड वी आर नाउ क्रॉसिंग द रोड। बस मिस ना हो जाए, दैट इज़ द होल कंसर्न, बिकॉज ये वाली बस लाइक एवरी 40 मिनट्स आती है, इसीलिए रोड पे जाना पड़ेगा। चलो, बिकॉज सामने तो पूरा ट्रैक है। अभी कैसे लगा कि लाइक वो स्नो वाले ट्रक ने किसको ठोक दिया था, बिकॉज जो स्पीड में से यू टर्न लिया था ना, तो सारे सारे फुटपाथ और वो सभी क्लियर होते हैं। वो तो अब गवर्नमेंट का है तो जैसे चलाओ वैसे चलाओ, और क्या। एक बस में से तो उतर गए, अब हमारी दूसरी बस पकड़नी है। और ये बात अच्छा है कि हम लोग यहाँ से उतरेंगे और सीधा एग्जैक्टली वहीं पे है, मतलब हमें कहीं भी वो क्रॉसिंग पे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, वो सिग्नल का दबाव देन वेट करो। अब यहाँ से हम लोग एक ही बार नहीं किया था बस कैनेडा आने के बाद, जो आई थिंक मेरे लास्ट ब्लॉग में एक बार किया था वही। अब यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे 18 नंबर की साउथ बाउंड वाली बस है, जो कि हमें सीधा ले जाएगी डॉलर हमारा, देन एक पार्क है तो वहाँ सब पे। यहाँ की स्नो भी अभी भी एकदम सॉफ्ट ही है, सेम एज मेरी लास्ट लॉक की थे, जस्ट अवेलेबल एकदम स्मॉल मकन माफिक है इसमें। और ये आ गई हमारी 18 नंबर की। हम लोग ने 2-3 मिनट चेंज करके पहुंच गए अगेन डॉलर स्टोर सामने। एक्चुअली हम लोग नॉर्टन पार्क में गए थे, क्या वो सामने एक्चुअली हम लोग पार्क गए थे वो टाइम पास के लिए, लेकिन वहाँ पे देखा था एक पूरा रास्ता आगे स्नो से कवर था, वहाँ पे चालू है तो लगा अभी पूरा रास्ता आगे स्नो से कवर था, इसलिए हम लोग फिर वहाँ पे नहीं गए बिकॉज वी गाइस डोंट हैव स्नो शूज राइट नाउ। और अगर अच्छे स्नो शूज पे डील मिली तो यहाँ से ले लेंगे स्नो शूज, राइट। अगर अच्छी डील मिली तो, बाकी तो कल नहीं है, आज मंडे है, आज प्री फैमिली डे है और कल कनाडा में फैमिली डे होगा, मीन्स जब मेरा ब्लॉग रिलीज होगा उसी दिन, मैं उसके एक दिन पहले, बिकॉज थोड़ा टाइम का इशू है इसीलिए। लोग 3 फीट वाले डॉलर में स्टोर में आए हैं ये अंदर बस में हीटर में से उतरे ना, इसीलिए धूप है लेकिन फिर भी हाथ ठंडे लग रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा व्लॉग करने के लिए मैप देखने के लिए ग्लव्स निकालना पड़ता है। तो ये आ गया डोलोरामा, देन बाजू में है GYSK। एक्चुअली हमारा GYSK जाने का प्लान है, इट्स अ काइंड ऑफ फर्नीचर, राइट, फर्नीचर है ना, मतलब जैसा IKEA है वैसा यहाँ पे GYSK भी है। इससे भी हम लोग इसके अंदर घुसे डोलोरामा में, तो फिर वहाँ पे डोलोरामा में अगर हम लोग घुस गए तो फिर वहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग हो जाएगी हमारी, इसीलिए। से मुझे एक टावर लैपटॉप के लिए बेड सपोर्ट वाला और नीचे का काइंड ऑफ टेबल चाहिए। हवाएं काफ़ी तेज है, बट स्टिल -5 डिग्रीज में भी ये विंड चीटर अपना काम एकदम परफेक्टली कर रहा है।
हर्षिल को बोलना पड़ेगा। हर्षिल बोल रहा था कि विंटर कुछ काम नहीं आएगा इंडिया और कनाडा दोनों जगह पे, लेकिन देख भाई -5 डिग्री से आज का टेम्परेचर और फिर भी हम लोग, मैं तो बंदे घूम रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी अभी महसूस नहीं हो रहा है। हाथों में ठंडी तो अभी भी लग रही है लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली कहीं भी ठंडी कहीं भी नहीं लग रही। थैंक्स सुदेश, सिर्फ थर्मल है, टी शर्ट और ये विंड चिल्ड्रन, दैट्स इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हम ही दोनों हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिकॉज यहाँ के जो भी इंडियंस है और प्लस यहाँ के जो भी लोकल कैनेडियंस है वो सब इतने बड़े बड़े जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं और बस मैं और श्रेया ही, हम दोनों ने इतना पतला सा पे विंड चीटर पहना है। 3-4 दिन पहले बस के अंदर लिटरली स्वेटिंग हो रही, मतलब पसीना आ रहा था, उतना भी नहीं था बट स्टिल आ तो रहा था, यहाँ बस हम दोनों ये क्योंकि इतने पतले में घूमे, बट ए गुड इन्वेस्टमेंट दिस फील ऑफ विंड चीटर। और हर्षिल आ रहा है तो ये लेके आना, गलती से तेरे को मिल जाए तो ब्रांड फैक्ट्री में से। सो फाइनली अभी हम लोग चेयर्स वाले सेक्शन में आ गए पूरा जीवा इसका एक्सप्लोर करके, बिकॉज हमें चेयर भी चाहिए फॉर एडिटिंग एंड प्लस फॉर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स। यहाँ पे गेमिंग चेयर्स भी अवेलेबल है, क्या हुआ इज इट कम्फर्टेबल? या दिसका इज $90, काफ़ी छोटी नहीं लग रही? ओके, हेड सपोर्ट नहीं है? हाँ ना, हैंड रेस्ट लेकिन हेड सपोर्ट है, मतलब वैसे हेड रेस्ट नहीं है, ये अच्छी है। आई थिंक दिस कुड बी द चेयर, चलो व्लॉग में ऐड कर दो। और ये वाला व्लॉग भूलना नहीं है जब से हम चेयर लेने जाए तो, बिकॉज ये वाली चेयर इट्स अ गुड डील जस्ट फॉर $96। सो वी आर इनसाइड द डॉलर रूम राइट नाउ और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं कि लाइक कौन सी चीज़ हमें ज़रूरी है जो लेना पड़ेगा। वह इधर पीछे ही वो रहा, मेरे पीछे स्पाइक बस्टर का पूरा सेक्शन, मेरी जीप में हमारा वो स्पाइक बस्टर नहीं फेंक दिया था उन लोगों ने, तो अभी ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कोई नहीं। और भाई देखिए वहाँ पे देखा स्पाइक बस्टर लेकिन सारी पिंस थी यहीं की कैनेडियन लोकल पिंस, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। और एक और बात तो यहाँ पे आके अगेन कहनी पड़ेगी कि लाइक कोई भी सुपरमार्केट हो, हमारे पास हर एक सेक्शन में कोई ना कोई चीज़ तो हमें लेने लायक मिल ही जाती है ना। अब वो बॉटल हो या तो फिर डब्बे हो या तो फिर कुछ भी क्यों ना हो, भी फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन में से भी अगर हम देखें ध्यान से तो हमें कंटेनर्स चाहिए, ये कंटेनर्स बिकॉज पूरा एक घर ही सेटअप करना है। यहाँ पे सारी आइटम्स रिलेटेड टू कैनेडा मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से कुछ मेमोरीज ले जाने दी है देन आपके है कैनेडियन की चेन्स, मतलब लाइक एज अ मेमोरी, फॉर एग्जांपल दिस कैनेडा वाला की चेन, देन दिस की, देन दिस कैनेडा वाले वॉलेट्स, देन कैप्स, देन बियर बॉटल का होल्डर, देन ग्लासेस, ओपनर्स, पाउचेस, कैप्स, हैट्स, यहाँ पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। मेरे दिल एक्चुअली ये वाले की पे आ गया है बट बाद में ले जाएंगे नेक्स्ट वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारा अच्छा खासा बहुत लंबा मील फटने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट वीक तक हम लोग होपफुली नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। सो उसके लिए हमें स्पेशली पूरे घर की शॉपिंग के लिए हमें स्पेशली डॉलर हमें तो आना ही पड़ेगा। सो हम लोग तब वाली की तरह से कई सारी चीज़ें और लेनी ही है। सो आपको मेरा नेक्स्ट ग्रोसरीज वाला व्लॉग अच्छा खासा लंबा और लाइक अच्छा स्वीटेस्ट है ना, सब तब आपको लाइक अच्छा खासा लंबा प्लस लंबा बिल फटने वाला है तब डॉलर अमाउंट में से। इंडिया में आई थिंक आप लोगों ने बैडमिंटन सिर्फ आप लोगों ने आई थिंक यही साइज का देखा होगा, एकदम पतला और इतने छोटे, बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस ह्यूज बैडमिंटन। और ये देखो फ्लावर और फूल देखो इसका कितना बड़ा है, मेरे एक हाथ से तो लाइक डबल साइज के, तो ये बस इनका फ्लावर है और इनके नॉर्मल साइज के फ्लावर्स भी इतने बड़े बड़े हैं। खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा इतना बड़ा अगर हम ले तो, बट सीरियसली ये नॉर्मल साइज और ये है बॉडी इनके यहाँ पे लोकल साइज। देन हमें डॉलरामा में ये काफ़ी अच्छी सिस्टम है कि लाइक सेल्फ चेकआउट, मतलब आपका आप अपने आइटम्स होता है अपने आप ही स्कैन करनी है, देन यू हैव टू पे फॉर दैट, डन। और आपका टोटल बिल भी काफ़ी कम बना है, ओनली $4.66। और हमने लिए है लोशन, गार्बेज बैग एंड दिस स्नीकर्स, दैट्स इट, $4.65। इसीलिए आई एम गोना इंसर्ट दिस $5 की नोट, चलेगी नोट को हो गया। सो गुड टू नो, सब अगर इनके साथ का मशीन ऐसा वाला नोट नहीं लेता है देन मेक श्योर कि आप लोग वापस हो तो ना डालो एंड देन ट्राई अगेन, बिकॉज मेरा तो हो गया है एंड चेंज $0.35। हाँ डन डन डन, थैंक यू फॉर शॉपिंग एट डॉलरामा। We just saw that guy जो यहाँ पे जॉगिंग मतलब टाइप ऑफ भाग रहा है, मुझे पता नहीं क्या वो भाई है के बहन है, बस फिर अब पता नहीं कि वो क्यों भाग रहे हैं, बस पकड़ निकला तो फिर ठंडी लग रही है इसीलिए मैंने बोला विल डू दिस सेम, अभी रन करते मजा आएगा। हमने भी थोड़ा भागा मतलब सिर्फ 50 मीटर मजा आ गया, एकदम गर्मी गर्मी महसूस हो गई बॉडी के अंदर। हम लोग निकले थे -4 डिग्री में बाहर इसी विंड के साथ और अभी टेम्परेचर है 5 डिग्री,
+5 degrees है, लेकिन विंड स्पीड आई थिंक बढ़ गई होगी अभी, बिकॉज अगेन लास्ट इसी तरह ही मुझे सिर्फ रेजिस्ट करके चलना पड़ रहा है विंड के अगेंस्ट। अभी तो विंड राइट साइड से फ्लो रही इसलिए चलेगा, बस अभी कैमरा सब में ऐसे झुक रहा हूँ। और ये देखो इतना बड़ा ये किसने बनाया है, इतना बड़ा स्नो बॉल। बोले किसने बनाया है। हम लोग जा रहे ओम इंडिया फास्ट फूड था ना, आई थिंक तो जा रहे ओम इंडिया फास्ट फूड, वहां से कुछ आपको दिखा होता कैमरे में वो आप फ्लाइट टेक ऑफ करे, पता नहीं कौन सी फ्लाइट है, बट वो फ्लाइट देख के मुझे हमारी फ्लाइट याद आ गई जस्ट 15 डेज पहले मैं और श्रेया कनाडा में लैंड हुए थे। और यहाँ पे उस फ्लाइट के अंदर होपफुली कोई ना कोई इंडियन टूरिस्ट होगा, होम कंट्री इंडिया। चल हम लोग भी होपफुली जाएंगे अगेन इंडिया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ओम इंडिया फास्ट फूड सेंटर, फाइनली सेड ओम फास्ट फूड सेंटर। और ये वाला इंडिया में नीचे कुरकुरे का पैकेट इंडिया में मिलता है जस्ट फॉर 20 rupees, और यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है ओनली फॉर 20 भैया, ओनली फॉर 20 rupees। सो ये रहा इसका $1.50 मीन ऑलमोस्ट 90 rupees लेस का, बट अभी तो बस यहाँ पे सिग्नल का हम लोग वेट कर रहे हैं कब खुले और कब हम लोग क्रॉस करें। और यहाँ से अराउंड 1 kilometer का वॉक है और फिर वहाँ से नॉन स्टॉप बस होगी सीधा हमारे घर तक। और वेदर भी अभी अच्छा खासा है, विंड स्पीड काफ़ी कम हो गया 25 kilometer फ्रॉम 36 to 25 और टेम्परेचर भी सिर्फ 5 degrees। तो भैया यहाँ पे हम लोग फटाफट 4 मिनट हमारा हॉट चॉकलेट एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज अगले 4 मिनट में हमारी बस 4 मिनट में आने वाली है। चीयर्स भाई एकदम थोड़ा बहुत वहाँ में से काफ़ी चीयर्स एकदम परफेक्टली गर्म है ये अभी हो रहा सामने बढ़ोगा अभी थोड़ी तरह यही पूरे कॉम्प्लेक्स में से यहाँ से वॉक करेंगे जाके घूम सुन तक वापस यहाँ पे आई थी बस या एटी थोड़ा बस टूर के अगले टूर। आज का हमारा डिनर काफ़ी लेट बन रहा है बिकॉज हम लोग आए घर पे आए फिर मैंने मेरा लास्ट व्लॉग एडिट किया तो इसलिए अब जाके आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा। अभी पूरा डिनर प्रिपेयर कर देना प्लस अभी खाना बाइक और इसके बाद सारे वेसों से लोग करेंगे क्लीन। सो हमारा आज मस्त डिनर करके भी हो गया है।